गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं देख थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे को, इसलिए ही क्लास डिले हो गया। तो फाइनली जो भी टाइम हमारे पास बचता है उस क्लास को कंप्लीट करते हैं। हम बात कर रहे थे कोरिलेशन की, और कुछ प्रीवियस क्लास में हमने कोरिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। नाउ वन मोर टाइप ऑफ कोरिलेशन इज देयर, तो आज इस कोरिलेशन को कंप्लीट करते हैं उस दूसरी टाइप ऑफ कोरिलेशन के साथ। एंड द अदर टाइप ऑफ कोरिलेशन इज रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैंक कोरिलेशन में, जैसे कि आपको बताया था कि जब आपके पास क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे कोरिलेशन कैलकुलेट करने को होगा, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे जब कोरिलेशन हमें कैलकुलेट करने को होगा, एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा। यस, तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स के केस में जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, वी विल यूज कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? रैंक कोरिलेशन में हमें क्या यूज करना रहेगा? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हैव अ लुक हियर। Here it is, the formula of rank correlation. यहाँ पे rank correlation का formula note कीजिएगा। आज सारा technical issue आने का है क्या?
इट इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, वन माइनस सिक्स समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन थ्री माइनस एन। रैंक कोरिलेशन के केस में वाले हैं हम, यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डिफरेंस इन रैंक, डी स्टैंड फॉर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस इन रैंक। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले गिवन नंबर्स को रैंक प्रोवाइड करेंगे। लाइक मुझे यहाँ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है बिटवीन द मार्क्स इंटेलिजेंसी ऑफ द स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे दो सब्जेक्ट में उनका मार्क्स स्कोर आइडेंटिफाई कर लिया, और सब्जेक्ट स्कोर आइडेंटिफाई करने के बाद उन दोनों सब्जेक्ट्स के स्कोर के बीच में मुझे कोरिलेशन निकालना है। तो मैं वहाँ पे उन मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को रैंक प्रोवाइड करूँगा इंडिविजुअली, एक सब्जेक्ट में भी और वाई सब्जेक्ट में भी। और रैंक प्रोवाइड करने के बाद उस रैंक के बीच में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नोन एज डी, एंड देन डी का स्क्वायर करेंगे। लेकिन कई बार आपने रैंक प्रोवाइड करते वक्त ऑब्जर्व किया होगा कि एक से ज्यादा लोगों का सेम मार्क्स होता है या सेम स्केल होता है, तो वहां पे हम उनको एवरेज रैंक प्रोवाइड करेंगे। लाइक थर्ड और फोर्थ रैंक पे दो पर्सन है और दोनों के 12 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उन्हें थर्ड और फोर्थ, किसे थर्ड दूं किसे फोर्थ दूं, तो उस सिचुएशन में आई विल नॉट गिव 3 और 4 टू एनी ऑफ द पर्सन, आई विल गिव देम 3.5 एंड 4.5। मैं उस तरह से उनको प्रोवाइड करूंगा, 3.5 का रैंक दूंगा, एक को 4.5 का रैंक दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से रैंक हम प्रोवाइड करेंगे, और रैंक प्रोवाइड करने के बाद, रैंक प्रोवाइड करने के बाद फिर हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब भी हम कॉमन कहीं पे कोई आ जाता है और उनको पेयर ऑफ रैंक प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर्मूले में एक वेरिएशन हमें डालना पड़ेगा, एंड दैट वेरिएशन इज ऑफ दिस थिंग। वहां हम 1/12 एम क्यूब माइनस एम और ऐड करेंगे, एंड आवर फॉर्मूला विल बी 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 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 और डिवाइडेड बाय, नॉट दिस डिवाइडेड बाय, दिस डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एम। और यहां एम क्या है, नंबर ऑफ कॉमन, नंबर ऑफ कॉमन रैंक होल्डर्स, नंबर ऑफ कॉमन होल्डर्स। इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और वहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई हैव एन एग्जांपल हियर, दिस वन। हिंदी एंड इकोनॉमिक्स के मार्क्स गिवन है, इन्होंने डायरेक्टली रैंक दे दिया, आई डोंट वांट रैंक, आई वांट मार्क्स। हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई, 4:15, 4:34, 4:30, 4:20, 4:28, and Y marks 3:30, 3:32. 28:31. 27:25. ये हमारे x और y के मार्क्स हो गए। इन x एंड y के मार्क्स के बेसिस पे मुझे इन दोनों के बीच के रैंक कैलकुलेट करने हैं। तो रैंक ऑफ x, x का रैंक, x में हाईएस्ट रैंक किसको मिल रहा है, में हाईएस्ट रैंक जा रहा है फर्स्ट रैंक, सेकंड 30, थर्ड रैंक 328, फोर्थ रैंक 324, फिफ्थ रैंक 3T एंड सिक्स्थ 315। ये हमने इनको रैंक दे दिया। वाई को हम रैंक देते हैं, वाई का रैंक, वाई को रैंक देते हैं, रैंक ऑफ वाई, द फर्स्ट रैंक विल गो टू
332, सेकंड रैंक 331, थर्ड रैंक 330, फोर्थ रैंक 328, फिफ्थ रैंक 327, सिक्स्थ रैंक 325। ये हमने y को रैंक दे दिया, तो x को और y को रैंक्स प्रोवाइड कर दिए। नाउ इन रैंक्स के बेसिस पे अब हम निकालेंगे d, वेयर d स्टैंड फॉर रैंक डिफरेंस, दोनों के रैंक के बीच का डिफरेंस। 6 माइनस 3, 1 माइनस 1, 5 माइनस 4, 4 माइनस 5, 6 माइनस 3। ये हमने रैंक के बीच में डिफरेंस निकाला। यस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ रेलिवेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम डी स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। 9 0 1 0 1 9, टोटल इज 20। समीशन डी स्क्वायर इज 20। नाउ द रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। देर आर 6 ऑब्जर्वेशंस, 6 क्यूब माइनस 6, दैट इज 1 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 210, एंड द फाइनली रिजल्ट इज 120 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 1, रिजल्ट इज 0.43 इज द आंसर। 0.43 इज द रैंक कोरिलेशन बिटवीन सच टू मार्क्स। इन दोनों के बीच का रैंक कोरिलेशन 0.43 है। एम आई क्लियर? इज इट ओके? चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हमारे पास आते हैं, तो उस केस में हम कैसे कोरिलेशन निकालेंगे। हियर वी हैव द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 25, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का मार्क्स हमें दिया हुआ है 25, 30, 38, 35, 50, 70, 30, 90। इकोनॉमिक्स का मार्क्स 50 40 60 40, 30 20 40 70। ये हमने दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स ले लिया, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी क्या करना है, अभी रैंक देना है। रैंक ऑफ अकाउंट्स, द फर्स्ट रैंक गोज टू 70 मार्क्स, सेकंड रैंक, सॉरी सेकंड रैंक 438, फिफ्थ फिफ्थ पे दो लोग कॉमन आ रहे हैं। फिफ्थ पे फिफ्थ रैंक के लिए दो पर्सन के बीच में टाई हो गया, तो फिफ्थ और सिक्स्थ इस तरह से हम उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ 30 एंड 30, तो इन दोनों के पास, एक के पास फिफ्थ रैंक जाएगा, एक पास सिक्स, लेकिन मैं उसको डिवाइडेड बाय टू करके 5.5 रैंक दूंगा दोनों को। 5.5 इसको भी और 5.5 इसको भी, और सिक्स्थ रैंक स्किप कर देंगे। क्या किया, जो फिफ्थ और सिक्स प्लेसेस पे पर्सन आ रहे हैं दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो उन दोनों को एवरेज कर देंगे 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, और उनको एवरेज मार्क्स दे देंगे, एवरेज रैंक दे देंगे, और नेक्स्ट रैंक 6 स्किप कर देंगे। देन सेवेंथ रैंक विल गो टू 25 एंड एट्थ रैंक विल 22। इस तरह से इनका रैंक हो गया। देन रैंक ऑफ इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट रैंक 70 मार्क्स, सेकेंड रैंक 60 मार्क्स, थर्ड रैंक 50 मार्क्स, फोर्थ रैंक, सर फोर्थ रैंक पे तीन लोगों के बीच में टाई। फोर्थ रैंक पे देयर इज अ टाई बिटवीन थ्री, मतलब फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और सिक्स्थ रैंक, इन तीनों पर्सन को सेम मार्क्स मिला। इनको हम डिवाइडेड बाय थ्री एवरेज फिफ्थ रैंक सबको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5। बात समझ में आया कैसे किया एवरेज हमने? एवरेज कैसे किया समझ में आया? एवरेज कैसे,
समझ में आया, जिस पर्टिकुलर रैंक पे एक से ज्यादा लोगों को सेम मार्क्स आया है, तो फोर्थ रैंक पे 50 था, सिक्स्थ रैंक पे भी 50 है, सेवेंथ रैंक पे भी 50 है, तो हमने तीनों को फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का एवरेज निकाल के एवरेज मार्क्स अलॉट कर दिया, फाइव आया, फाइव एवरेज हमने तीनों को दे दिया। ठीक है, अभी क्या, अभी इसके बाद तीनों रैंक खत्म, द नेक्स्ट रैंक सेवेंथ रैंक आएगा, सेवेंथ रैंक विल गो टू दिस वन एंड एट्थ रैंक विल गो टू दिस वन। ये हो गया रैंकिंग। व्हाट वी विल डू आफ्टर रैंक, रैंक के बाद निकालेंगे डी, दोनों की रैंक के बीच में डिफरेंस। और फिर डी का स्क्वायर, और डी स्क्वायर का कर लेंगे टोटल। एटी वन पॉइंट फाइव। अब समझिएगा थोड़ा केयरफुली, रैंक हमने ले दिया, रैंक में यदि कॉमन रैंक आ रहा है तो कॉमन रैंक में कैसे करना है वो चीज समझ में आ गया। अभी हमने रैंक का डिफरेंस निकाला, देन स्क्वायर कर लिया। नाउ फॉर्मूला, अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन कितने लोगों के बीच में था, कॉमन कितने पेयर, कितने कॉमन पेयर बने। सर एक कॉमन पेयर बना यहाँ पे जहां दो लोगों के बीच में रैंक कॉमन था, एक कॉमन पेयर मैंने यहां बनाया जहां तीन पर्सन का कॉमन रैंक था, तो मेरे पास दो कॉमन पेयर बने हैं, एक कॉमन पेयर बना है दो लोगों का, एक कॉमन रैंक मिला है तीन लोगों का, तो मेरे फॉर्मूले में क्या होगा, अब मेरे फॉर्मूले में होगा वन माइनस सिक्स समीशन डी स्क्वायर प्लस वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम एक बार, और वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम दो बार। मुझे दो बार एम क्यूब माइनस एम लेना पड़ेगा, दो बार, आई हैव टू टेक टू टाइम्स एम क्यूब माइनस एम, वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम, ये मुझे दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि दो बार मेरे रैंक में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। एक बार 30 30 कॉमन हुआ था, और दूसरी बार 40 40 40 कॉमन हुआ है, दो बार कॉमन फैक्टर आ रहा है, टू टाइम्स। कितने लोग कॉमन थे वो नहीं, कितनी बार कॉमन नंबर आए, सर दो बार कॉमन नंबर आए, एक बार 30 नंबर कॉमन था दो लोगों के बीच में, एक बार 40 नंबर कॉमन था तीन लोगों के बीच में, तो दो बार कॉमन, दो कॉमन नंबर हैं तो दो बार ये फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगा। अब वैल्यू कैसे लेंगे, वन माइनस सिक्स समीशन डी स्क्वायर, समीशन डी स्क्वायर 81.5 प्लस वन बाय ट्वेल्व। अभी एम का मतलब क्या है, यहाँ एम का मतलब ये है, यहाँ एम का मतलब ये है कि जो आपका कॉमन फैक्टर आया था उसमें कितने लोग कॉमन थे, फर्स्ट टाइम में कितने लोग कॉमन थे, सर फर्स्ट टाइम में 30 30 मार्क्स दो लोगों के आए थे, सर सेकेंड टाइम में 40 40 मार्क्स तीन लोगों के आए थे, तो एम का मतलब है नंबर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन, और टोटल हमारे पास कितने मार्क्स है, एट स्टूडेंट्स है। ये फॉर्मूला थोड़ा केयरफुली समझ लीजिएगा, क्या किया है सर, ये पेयर हमें यूज करना है, कितनी बार यूज करना है, जितने मार्क्स में कॉमन है उतनी बार हमें ये यूज करना है। ठीक है, दूसरा सर, दूसरी बात ये है कि एम क्या लेना है, जितने लोगों के कॉमन मार्क्स हैं फर्स्ट में एम फर्स्ट पेयर में वो होगा, और सेकंड पेयर में जितने लोगों के कॉमन मार्क्स हैं तो सेकंड पेयर में कॉमन मार्क्स वाले लोगों का उतना ही नंबर होगा, दैट इज एम। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। टू क्यूब माइनस टू, एट माइनस टू सिक्स, सिक्स डिवाइडेड बाय एट माइनस टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व, ये हो गया पॉइंट फाइव,
27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया 2, मेमोरी रिकॉल 2.5 प्लस 81.2 मल्टीप्लाई बाय 6 इट्स 502.2 डिवाइडेड बाय 8 इनटू इक्वल इनटू 8 माइनस 8 इट्स 504 क्या बात कर रहे हैं 0.00 ओ यस इट्स जीरो द कोरिलेशन बिटवीन टू इज जीरो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के मार्क्स में बच्चों के अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मार्क्स में कोई कोरिलेशन नहीं है कोई कोरिलेशन नहीं है ये है रैंक कोरिलेशन का कैलकुलेशन दोनों तरीके से मैंने आपको रैंक कोरिलेशन दोनों तरीके से दोनों फॉर्मुलेस में कॉमन में आता है तो भी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको क्लियर कर दिया तो इसी के साथ कोरिलेशन कौन से हैं और स्टैंडर्ड एरर जस्ट यू आर इन नीड ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ एरर हियर इट इज प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर नोट डाउन कर लीजिए प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला एज इट इज ये याद रखना है ये दोनों फॉर्मूलाज प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर फॉर्मुलाज ऑफ प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला इट्स 0.6745 ये कांस्टेंट क्यू है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन एंड स्टैंडर्ड एरर इज 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन ओके डन तो अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिकल वाले और देख लेते हैं देन आप लोग इसके क्वेश्चंस खत्म करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.28 एंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 7.6 एंड कोवेरियंस वेरियंस ऑफ एक्स इज 9 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज बताना है सर कोरिलेशन गिवन है कोरिलेशन का फार्मूला था कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ठीक है अब इसमें से क्या गिवन है हमें यहां दिया है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.28 0.28 आर इज 0.28 कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 7.6 कोवेरियंस इज 7.6 देन वेरियंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 9 वेरियंस ऑफ एक्स इज 9 variance of x is 9 so standard deviation of x will be 3 multiply by standard deviation of y that is not known so solve it you will get the answer divided by 0.28 answer is standard deviation of y is 9.05 option C is the correct answer. 9.05 option C. So guys, simply formula based questions hain. If for two variable x and y, the covariance is given. Covariance of x and variance of y. Covariance aur sab kuch diya hua hai. The covariance of x and variance of y. Covariance 40. Variance of x is 16. Variance of y is 256. Correlation nikalna hai. Direct formula hai. For two variable. Ye direct formula hai. If the relationship between two variables x and y is given by this. Then the value of correlation coefficient between x and y is. एक्स एंड वाई के बीच में वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोऑफिशिएंट क्या होगा वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कोरिलेशन कोऑफिशिएंट क्या होगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फोर 2x plus 3y is equal to minus 4. इस equation को ऐसा arrange कर लें. 2x plus 3y is equal to minus 4.
यानी एक्स और वाई की वैल्यूज को, एक्स और वाई की वैल्यूज को ऐड करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। एक्स और वाई की वैल्यूज को ऐड करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। मैं और डिवाइड कर देता हूं, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2x+3y+4=0 दिया हुआ है। मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो इट्स x+1.5y=-2। कैन आई राइट दिस लाइक दिस? यस, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, x में y का 1.5 ऐड करते हैं, x में y का 1.5, y की वैल्यूज को 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसको x में ऐड करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यदि y की पॉजिटिव वैल्यूज, तो y पॉजिटिव है और x की वैल्यूज नेगेटिव है, किसी एक की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यूज हैं, एक की नेगेटिव एक की पॉजिटिव ऐड करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होना चाहिए इनके बीच का कोरिलेशन। चेक करते हैं आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 सी नेगेटिव। यस, इनके बीच का कोरिलेशन नेगेटिव, -1 इज द कोरिलेशन बिटवीन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन, रैंक कोरिलेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी +1, कोरिलेशन चेंज नहीं होता। द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक इज, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक इज, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक इज, द क्वेश्चन इज रॉन्ग। सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक, डिफरेंस के, रैंक के डिफरेंस का सम हमेशा जीरो आएगा। द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक विल बी जीरो ऑलवेज, दैट विल बी जीरो ऑलवेज। डी स्क्वायर का टोटल दिया है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला। सो ऑल आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस। नाउ आप लोग फटाफट से इसके चैप्टर को खत्म करें, क्वेश्चन कम, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर रिग्रेशन, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रिग्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और यहाँ तक स्टैट्स का हमारा बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन लास्ट हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक बचता है, लास्ट पार्ट क्लास में रिग्रेशन चलेंगे। आज बस इतना ही, हम टीम्स पे ही आने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें यह क्लास यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, ओके, देन बाय, सी यू सर। इसका 23 बता देंगे, ओके, एक मिनट, 23, द 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट डेविएशन, अभी हमने कॉन्करेंट डेविएशन का बात नहीं किया, वॉज फाउंड टू बी 4। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हमने डिस्कस नहीं किया, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हम डिस्कस करेंगे उसके बाद बताऊंगा बेटा। या आपके बुक में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड दिया नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड स्टडी में नहीं दिया, मैं नेक्स्ट क्लास में पहले कॉन्करेंट डेविएशन लूंगा ये मेथड। यस, ये मेथड हम डिस्कस करेंगे, ये मेथड सीए में है, सीएमए में दिया हुआ नहीं है। वी विल डिस्कस दिस मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन। वहां पे हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज नहीं लेते, सिर्फ हम लेते हैं प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दिस कॉन्करेंट डेविएशन। नेक्स्ट क्लास पहले कॉन्करेंट डेविएशन फिर रिग्रेशन, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स का पार्ट कॉन्करेंट डेविएशन, बट आई हैव नेक्स्ट क्लास राइट नाउ, तो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी क्लास आज के लिए यहीं पे स्टॉप करूंगा। प्लीज, ठीक है, बाय।